जय माता दी फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का एक और चैप्टर, जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। एक ऐसी बुक जिसने पृथ्वी को बचा लिया, अर्थ प्लैनेट को बचा लिया, बाय क्लेयर बॉय को। इस स्टोरी में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से मार्शियंस, मतलब मार्स प्लैनेट पे रहने वाले एलियंस ने अर्थ पे अटैक किया जस्ट टू टेक कंट्रोल ओवर इट, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से, क्योंकि ये जो बुक है ये फ्यूचर के में लिखी गई है। दैट मीन्स कि फ्यूचर में हिस्टोरियन जो है वो लोगों को, ऑडियंस को बता रहे हैं कि किस तरीके से मार्शियंस ने अर्थ पे अटैक किया था और फिर क्या क्या हुआ था। इसमें अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो हिस्टोरियन है, जैसा कि मैंने बताया, वो स्टार्टिंग में ही बताती हैं कि ऑडियंस को कि वो हिस्ट्री में ले जाती हैं और बताती हैं कि किस तरीके से अटैक हुआ था। थिंक टैंक का नाम रूलर है इस मार्स में। दैट मीन्स जब ये स्टोरी स्टार्ट होगी तो इसमें जो मार्स का जो एलियन है वो, मतलब हेड जिसे रूलर कहते हैं, तो वो रूलर है थिंक टैंक। थिंक टैंक देखने में बिल्कुल हम्प्टी डम्प्टी जैसा है, जैसे आपने नर्सरी राइम्स में देखा होगा उसकी पिक्चर, मतलब एकदम अंडे जैसा है, मोटा सा, गोल गोल सा, और ऐसा उसका बड़ा सा सर है। अप्रेंटिस नूडल जो है वो उसका अप्रेंटिस है और वो ज्यादा इंटेलिजेंट है थिंक टैंक से, और थिंक टैंक को डील करता है नूडल काफी चीजों में, कि मतलब उसको ये पता है कि थिंक टैंक को कैसे खुश किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में थिंक टैंक इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना नूडल है। अदर एलियंस की बात करें जो कि प्लेनेट मार्स से आए हुए हैं, दैट मींस जो क्रू मेंबर्स आए हुए हैं मार्स से अर्थ प्लेनेट पे, उनमें से और हैं। दैट मींस कि जब आपको इस स्टोरी स्टार्ट होगी तब थिंक टैंक और अप्रेंटिस नूडल जो है वो मार्स में ही होते हैं, लेकिन मार्स से आए हुए अर्थ पे जो क्रू मेंबर्स होते हैं, या प्लेनेट मार्स से जो अर्थ पे एलियंस आए होते हैं, वो ये तीन हैं: लेफ्टिनेंट आयरटा, सर्जेंट ऊप और कैप्टन ओमेगा। ये कैरेक्टर्स की हमने बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा स्टोरी की, कि जो स्टोरी है ये पूरी जो स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है एक राइमिंग बुक, जो नर्सरी इंग्लिश नर्सरी राइम बुक है, द मदर गूस। किस तरीके से द मदर गूस टाइटल की इस बुक ने, जो कि एक इंग्लिश नर्सरी राइम बुक है, उसने सेव किया अर्थ को। तो द बुक दैट सेव्ड द अर्थ में जो बुक का नाम अगर हमें बताया जाए, या फिर द बुक कौन सी बुक है, तो वो द मदर गूस है। ये एलियंस का जो अटैक होता है, मार्स से जो अटैक होता है वो नहीं हो पाता, वो अपना जो अटैक है इसको, मतलब वो नहीं कर पाते हैं, प्रोसीड नहीं कर पाते हैं, कैसे वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले जो स्टोरी स्टार्ट होती है तो हिस्टोरियन बताती है ऑडियंस को कि एक बार जब 20th सेंचुरी में, दैट मीन्स कि काफी आगे की बात हो रही है, 400 ईयर्स आगे की बात हो रही है, तो 20th सेंचुरी में किस तरीके से अटैक हुआ था अर्थ पे वो बताएंगी, और मतलब किस तरीके से जो क्रू है वो अर्थ पे गया था, और एक बुक जो थी द मदर गूस उसने किस तरीके से बचाया था। ये सारी चीजें हैं वो इस हम चैप्टर में देखेंगे। जो प्ले है, अगर वो हम देखें कि कितना फ्यूचर में, तो ऑलमोस्ट 2550 की बात हो रही है। दैट मींस काफी टाइम, 5 सेंचुरीज आगे, 20th सेंचुरी की बात करेंगे यहाँ पे हिस्टोरियन अपने जो भी है उनके पास में, आप म्यूजियम है वहाँ पे जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनमें वो 20th सेंचुरी की बातें बताएंगी, लेकिन वो एट प्रेजेंट 5 सेंचुरीज फ्यूचर में है। जैसे ही देखा जाए तो एक प्ले है। प्ले में मतलब जिस तरीके से वन बाय वन एक एक कैरेक्टर है वो बात करेगा, कि कभी थिंक टैंक बोल रहा है, कभी अप्रेंटिस नूडल बोल रहा है, लेफ्टिनेंट आयरटा, सर्जेंट ऊप और कैप्टन ओमेगा और हिस्टोरियन, ये सारे जो कैरेक्टर हैं, बीच में ऑडियंस भी है। लेकिन हम इसको एज ए, मतलब समरी देख रहे हैं, तो मैं आपको इसकी स्टोरी बता देती हूँ, बाकी ये एक प्ले है। तो जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है एक स्टेज से, जिसमें 25th सेंचुरी की बात हो रही है। एक हिस्टोरियन जो है वो एक म्यूजियम में बैठी है और वो बताती है कि किस तरीके से मार्शियंस ने अटैक किया था 20th सेंचुरी में अर्थ पे।
वो ये सब कुछ अपने ऑडियंस को प्रूव भी करती है, वो हिस्टेरिस्कोप में दिखाती है। हिस्टेरिस्कोप दैट मीन्स एक बायोस्कोप जो कि हिस्ट्री के बारे में दिखाता है, हिस्ट्री में क्या हुआ था, एक ऐसा डिवाइस जो कि हिस्ट्री में जो चीजें हुई थी वो बता रहा है। उसके बाद में क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको दिखाया जाता है हिस्टोरियन के बाद में, जैसे थिंक टैंक और अप्रेंटिस नूडल, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ये जो थिंक टैंक है ये रूलर है, ये काफी अपने आप को इंटेलिजेंट कहता है। इसको बड़ा चढ़ा के बोलने के लिए अप्रेंटिस नूडल काफी वर्ड्स का यूज करता है, और मतलब आप ये कह सकते हो कि इसे थिंक टैंक को अपनी तारीफ सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं, थिंक टैंक और अप्रेंटिस नूडल जो है, थिंक टैंक और नूडल ये डिस्कस कर रहे हैं कि इन्होंने जो अर्थ के ऊपर अटैक करने के लिए जो टीम भेजी है वो किस तरीके से, मतलब अर्थ को यहाँ पे एक रिडिकुलस प्लेनेट बताया हुआ है जो कि एकदम तुच्छ सा, जो उनके सामने कुछ भी नहीं है, जो कि मड का बना हुआ है, और वो अर्थ पे अटैक करने के लिए भेजते हैं जस्ट टू रूल ओवर इट। उसके ऊपर वो ये चाहते हैं कि उसे मार्स में मिला लिया जाएगा, दैट मीन्स कि हम मार्स पे रूल कर रहे हैं फिर अर्थ पे भी करेंगे। पूरी जो क्रू है वो गई है अर्थ को इंस्पेक्ट करने के लिए कि उस पे अटैक किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। पहले वो सारी चीजें ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पे अटैक करना कितना सही है। तो जो क्रू मेंबर्स हैं दैट मींस लेफ्टिनेंट आयटा, सर्जेंट ऊप एंड कैप्टन ओमेगा, ये तीन जो हैं, ये तीनों जो क्रू है मेंबर्स हैं, ये लैंड करते हैं एक लाइब्रेरी में। वहां पे वो काफी कंफ्यूज नजर आते हैं क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये बुक्स रखी हुई हैं, दैट मीन्स वो बुक्स को भी नहीं पहचान रहे हैं क्योंकि मार्स में आफ्टर 5 सेंचुरीज, 20 सेंचुरी और 25th सेंचुरी की यहाँ पे बात हो रही है, तो मे भी उनकी बुक्स नहीं देखी हुई है। उनका जो मास्टर है थिंक टैंक वो खुद को बहुत इंटेलिजेंट बताता है, वो मतलब ऐसे ऐसे सजेशन देता है कि आइटम्स क्या हैं, फिर वो कहता है मे बी ये सैंडविचेस हैं क्योंकि जैसे है ना ऊपर भी कवर है नीचे भी कवर है मोटा सा होता है बुक में, और बीच में जो पेपर्स हैं उनको वो कहता है कि मतलब ये फिलिंग है, दैट मीन्स उसने इतना सुना था कि सैंडविच कैसी होती हैं लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये बुक है। तो वो बुक्स को थिंक टैंक जो है वो सैंडविच बताता है, और वो कहता है कि अर्थ के लोग काफी खाने में काफी मतलब आगे हैं, दैट मींस कि उनको खाना बहुत ज्यादा पसंद है और सैंडविचेस वो अक्सर खाते रहते हैं, उनकी ये स्टेपल डाइट है, ये सैंडविचेस ही हैं। अपने क्रू मेंबर्स को वो खाने के लिए भी बोलता है, जिसमें से वो सबसे पहले तो कैप्टन ओमेगा को बोलता है लेकिन वो खाने के लिए मना कर देती है। उसके बाद में लेफ्टिनेंट आयटा जो है उनको बोला जाता है लेकिन लेफ्टिनेंट आयटा भी नहीं खाती है क्योंकि कैप्टन ओमेगा कहती है कि तुम खाओ, लेकिन एट द एंड वो जो है सर्जेंट ऊप वो खाकर देखता है और उसे एकदम टेस्टलेस लगता है कि मतलब कुछ भी नहीं है इसमें स्वाद, और एकदम से वो निगलने की कोशिश करता है। नूडल कहता है कि एक्चुअल में ये खाने में इसलिए स्वादिष्ट नहीं है क्योंकि ये है ही नहीं, मतलब एक कम्युनिकेशन डिवाइसेस है जैसा कि उसने देखा हुआ है। तो असिस्टेंट नूडल को यहाँ पे या फिर अप्रेंटिस नूडल को यहाँ पे काफी इंटेलिजेंट बताया गया है कि उसने थिंक टैंक को ये बताया, लेकिन थिंक टैंक फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि हाँ भाई नूडल इतना इंटेलिजेंट हो सकता है क्या। लेकिन इस वजह से फिर क्या होता है कि जो नूडल है वो उसका सजेशन वो मानते हुए थिंक टैंक जो है वो ये कहता है कि हाँ मतलब वो उस बात पे एग्री करते हुए, और वो कहता है कि हाँ ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, ये खाने के लिए नहीं है, इससे सुना जाता है। वो ऑर्डर देता है और ये जो क्रू मेंबर्स हैं लेफ्टिनेंट आयटा, सर्जेंट ऊप और कैप्टन ओमेगा, ये तीनों ही उसे सुनने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स उन दो दो बुक लेकर वो और अपने कान पे लगाते हैं और फिर कुछ सुनने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे कम्युनिकेशन होगा। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि ये कम्युनिकेशन ये भी करेक्ट नूडल ही करता है। नूडल बाद में कहता है कि ये कान पे लगाने की सुनने की लिए कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, ये कम्युनिकेशन होता है देखने से, उसको रीड करने से, सुनने की चीज नहीं है। वो सुनने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे उन्हें सुनाई नहीं देता है, वो काफी उनके केमिकल डिपार्टमेंट ने उनको वाइटामिन्स दी होती हैं वो खाकर फिर वो समझने की कोशिश करते हैं, उनको देखते हैं उन बुक्स को, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि वही अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वो बस उनको थोड़ा बहुत जो भी दिख रहा है उसके हिसाब से वो गैस कर रहे हैं।
अब वो उस बुक को पढ़ने की कोशिश करते हैं जो क्रू मेंबर्स हैं। अब वो पढ़ेंगे कैसे, वो पढ़ते भी हैं इस तरीके से, मतलब राइमिंग बुक हैं उस लाइब्रेरी में, वो देखते हैं और राइम्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसी ऐसी राइम्स पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बुक में जो राइम दी हुई है उसमें वो ये मीनिंग जनरेट करते हैं कि अच्छा जो अर्थ के लोग हैं वो माइनिंग और एग्रीकल्चर एक साथ करने लगे हैं, दैट मीन्स कि वो इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं जैसा हम सोच रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं है। सबसे पहले तो उन तीनों को ये लगता है कि मे बी ये कोई कोड है जिसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। वो वाइटामिन्स वगैरह खा के फिर उनको इतना ही समझ में आता है कि मे बी इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं अर्थ के लोग, तो मे बी उन्होंने कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल बना रखा हो, कोई बॉम्ब वगैरह बना रखा हो, मे बी हमारे लिए डेंजरस हो, तो वो और नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं और बुक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। बाद में पढ़ने के बाद में वो और जो हैं देखते हैं और राइम्स को देखते हैं, और राइम्स को देखते हुए वो एक और राइम देखते हैं, उसमें ये समझ में आता है उनको कि जो है अर्थ के जो लोग हैं वो अदर प्लैनेट्स के बीच में उनमें फाइट होनी होगी, और मे बी वो फाइट जो है वो उसमें बहुत सारी काउज होंगी, ऐसा वो सोचते हैं। सो मतलब इस तरीके की वो यूजलेस चीजें कर रहे हैं, उनको मतलब थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा है उनसे, और वो आपस में ये बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि थिंक टैंक और नूडल जो हैं वो अपने जो भी हैं स्विचेस वगैरह उन उसे सेट करके और उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें कुछ क्ल्यू मिले कि हम अटैक करना चाहिए हमें अर्थ पे या नहीं करना चाहिए। तो ये सब लाइब्रेरी में उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इन बुक्स के थ्रू। एट द एंड उनके हाथ में लगती है ये बुक जिसका नाम है जो द मदर गूस, जो कि बुक है जिसने अर्थ को सेव किया, जिस पे ये चैप्टर बना हुआ है, वो नर्सरी राइम की बुक मिलती है उन्हें, और फिर वो फर्दर उसमें रीड करना शुरू करते हैं। वो देखते हैं कि उसमें हम्प्टी डम्प्टी वाली जो पोएम लिखी हुई है वो रीड आउट करते हैं, और वो रीड आउट कर रहे हैं और उसकी पिक्चर देखते हैं वो हम्प्टी डम्प्टी की, तो जो है थिंक टैंक वो चिल्ला उठता है कि अरे ये तो मेरे जैसा है, क्योंकि हम्प्टी डम्प्टी भी कुछ एग शेप्ड है जैसा कि आपने देखा होगा राइम बुक में। तो वो एकदम से वो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब इंडियंस तो मेरे पीछे पड़े हैं, वो मुझे पहचानते हैं, उन्होंने तो मेरी पिक्चर भी बना रखी है। तो मतलब इस तरीके की चीजें वो सोचता है कि ये तो बहुत, मे बी वो जो अर्थ वाले हैं वो मार्स पे अटैक कर लें, ये जो मेरा रूल है ये भी छीनने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। सो वो एकदम से डर जाता है और वो सोचता है कि जो अर्थ वाले हैं वो कुछ ज्यादा ही, जितना हम सोच रहे थे ऐसा कुछ है नहीं है, और ये तो मेरे पे ही अटैक करने वाले हैं। इस तरीके से वो कह रहे, जो एट द एंड क्या होता है कि थिंक टैंक जो है वो ये कहता है कि मुझे यहाँ से फटाफट कहीं पे भी ले चलो, क्योंकि ये जो पिक्चर बना रखी है ये मेरी है। सो नूडल पूछता है आप कहाँ जाओगे, तो वो कहते हैं फटाफट मेरे लिए कैप्सूल मतलब स्पेस क्राफ्ट रेडी करो, और मैं यहाँ से काफी दूर जाना चाहता हूँ, सो कि अर्थ जो है अर्थ वाले जो हैं वो मुझ पे नहीं पहुंच सकें। दैट मीन्स कि प्लैनेट मार्स से वो दूर जाना चाहते हैं अल्फा सेंचुरी की तरफ, जो कि एक आप ये कह सकते हो कि 100 100 माइल्स मिलियन माइल्स अवे है जो, और वहाँ पे वो जाकर रहना चाहते हैं, और वो ये जो मार्स है उसको छोड़ देना चाहते हैं, और साथ ही साथ में वो अपने क्रू मेंबर्स को तीनों को ये कहते हैं कि तुम फटाफट वहां से आ जाओ और हम मार्स को भी खाली कर देंगे, और वहां पे अर्थ पे बिल्कुल भी कोई भी सबूत मत छोड़ना, क्योंकि उनको नहीं पता चलना चाहिए कि हम ये सब कुछ जानते हैं कि मे बी वो हम पे अटैक कर दें। तो उल्टा पड़ जाता है कि थिंक टैंक ही डर जाता है एट द एंड, और इस तरीके से जो ये जो प्ले है ये खत्म होता है। और इसमें जो है थिंक टैंक जब डर जाता है स्क्रीम करता है, और इस राइम की वजह से हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन ए वॉल, और वो अपने उसके लिए निकल जाता है फिर वहां के लिए। फिर एट द एंड हमें ये देखने को मिलता है कि हिस्टोरियन जो है, जैसा कि स्टार्टिंग में हिस्टोरियन को दिखाया जाता है, एट द एंड भी हिस्टोरियन को दिखाया जाता है, और वो स्माइल करती है और वो कहती है कि हम सबको पता है कि वो किस तरीके से एक पुरानी सी लाइब्रेरी में एक रखी हुई बुक जो है, नर्सरी राइम बुक जो है, उसने अर्थ को बचा लिया मार्स के अटैक से। फिर वो ऑडियंस को कहती है कि 25th सेंचुरी में आज अगर हम देखें तो अर्थ और मार्स के बीच में अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस हैं,
और अब जो मार्स है उसमें एक चीज जरूर बदल गई है कि वहां का जो लीडर है वो अब इंटेलिजेंट है, दैट मींस नूडल बन गया है वहां का लीडर। थिंक टैंक डर के मारे छोड़कर मार्स को भाग गया था, और ह्यूमन बीइंग्स ने अब जो मार्शियंस हैं उनको पढ़ना सिखा दिया है, और वो सैंडविच और बुक के बीच का डिफरेंस भी उन्हें सिखा दिया है, बता दिया है। और वहां पर जो कि मार्स की कैपिटल सिटी है जिसका नाम मार्सोपोलिस बताया गया है, वहां पर एक सेंट्रल लाइब्रेरी भी इस्टेब्लिश करने में हेल्प की है मार्स वालों की, और वहां पे स्टिल एक बुक वो प्रेफर अभी भी नहीं करते हैं और वो नहीं पढ़ते हैं। वो कौन सी बुक है? ऑफ कोर्स वो मदर गूस ही है। और इसी के साथ में ये प्ले खत्म होता है, दैट मीन्स कि वो अभी मदर गूस बुक को नहीं पढ़ते हैं। सो ये जो द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इस ये जो प्ले था इसमें इतनी ही स्टोरी थी कि किस तरीके से उन्होंने अटैक करने के लिए आते हैं, और वो क्रू मेंबर्स जो हैं वो वहां पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो आधे अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ में वो रॉन्ग डिसीजन पे ही पहुंचते हैं। इससे हमें यही चैप्टर से मैसेज मिलता है कि आधी जो नॉलेज होता है, आधा अधूरा ज्ञान जो होता है, वो हमेशा खतरनाक होता है। सब कहते हैं हाफ फैड नॉलेज इज वेरी डेंजरस। सो इट्स ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन। प्लीज 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 लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट। पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कॉमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।